सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत कम चीज़ों से बनने वाली है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और एक चम्मच इसमें घी डाल लेना है। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें दो चम्मच बेसन डाल लेंगे और बेसन को अच्छे से भूनेंगे। ये रेसिपी मैं आधे लीटर दूध की बता रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें घी और बेसन ऐड किया है। तो हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है। और अगर आप सर्दियों के लिए ये दूध रेडी कर रहे हो तो इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल लेना है और दो मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। तो जब बेसन भुनने लगेगा तो इसमें से अच्छे से बबल्स आने लगेंगे। बेसन जब अच्छे से भुन जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फिर से ऐसे चलाएंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। अब हमने जो आधा लीटर दूध लिया था उसको स्लो फ्लेम पर तीन हिस्से में दूध डालेंगे। अगर हमने एक साथ दूध को डाला तो इसमें बेसन की गुठलियाँ पड़ सकती हैं, तो हमें तीन हिस्से में बेसन को डालना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। सॉरी, बेसन को नहीं, दूध को डालना है थोड़ा थोड़ा करके। अब ये आधा पक चुका है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और अच्छे से चलाएँगे और बाकी का बचा हुआ दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो दूध में उबाल अच्छे से आ चुका है। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर और फिर अच्छे से पकाएंगे जब तक चीनी इसमें मेल्ट ना हो जाए अच्छे से। इसी में हम अब ऐड कर देंगे इलायची एंड अब हम इसी में ऐड कर देंगे नट्स। अब फिर से एक हाई फ्लेम पे उबाल आ जाए उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो इसमें उबाल आ चुका है, अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। इसे आप गर्म भी सर्व कर सकते हो और इसे आप कोल्ड भी कर सकते हो। तो इस दूध को आप कुल्हड़ में पियोगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है और इतना टेस्टी है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ये मैंने बनाया है या मार्केट से ख़रीदा है। बहुत टेस्टी, कुछ अलग ही फ्लेवर आ रहा था इसका। आप एक बार बना के देखिए, बेसन तो आपके घर में होगा ही, ऐसा कुछ है भी नहीं जो इसमें ज़्यादा पड़ेगा, तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी मज़ेदार अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना एंड हाँ, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलना, ज़रूर करना। और कौन सी रेसिपी आपको जाननी है, कौन सा वीडियो लेके आऊँ, आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें।